हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखो फ्रेंड, आज मैंने कितने खिले खिले और अच्छे चावल बनाए हैं। देखो कितने ही अच्छे, एक एक चामर हो रहा है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप इन्हें बसंत पंचमी वाले दिन बनाएं, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बासमती चावल लिए हैं और ये मैंने 2 घंटे पहले भिंगो कर रखे थे। आप और भी कोई चावल ले सकती हैं, मगर मैंने ये बासमती चावल लिए हैं। गैस ऑन करके मैंने ये 2 लीटर पानी पहले से ही रख लिया है। देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉल आ गया है, तो उसमें आप चावल को डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे और आधे नींबू का रस डाल देंगे। इससे हमारे चावल खिले खिले से अच्छी तरह से बनेंगे और नींबू डालकर भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और 10 मिनट इसे ढककर पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और चावल हमारे अच्छी तरह से 10 मिनट में हो गए हैं, तो देखो ये कैसे खिले खिले से लग रहे हैं। भाई अच्छी तरह से हो गए चावल हमारे। चावलों को हम पूरा नहीं पकाएंगे, 80% पकाएंगे और 20% हम बाद में पकाएंगे। एक बर्तन में छलनी रखेंगे और जो हमारे ये चावल हैं उन्हें पसा लेंगे ताकि इनका पानी जो है वो निकल जाए। और ये मैंने चावलों को निकाल दिया है, तो अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो ये ओवर कुक नहीं होंगे, दूसरा हमने जो इसमें नींबू डाला है उसका जो खट्टापन होगा वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। और ये केसर मैंने 3-4 दागों को इस तरह से मैंने भिगो दिया है, तो इनका कलर देखो छोड़ने लगे हैं। ये गैस ऑन करके फिर से एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें बड़ा चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया। 3 से 4 लौंग और 2 तेज पत्ते इसे इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। चिरौंजी और बादाम कटे हुए और किशमिश और काजू इन्हें इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और इनका कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हम जो हमने बॉल किए होते चावल बड़े थे उन्हें डाल देंगे। कितने अच्छे हैं देखो खिले खिले से, इन्हें भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन्हें मिक्स कर देंगे। देखो कितने अच्छे हैं खिले खिले से। ये हल्के हाथ से इन्हें मिलाएंगे क्योंकि हमने पहले बॉल कर लिए हैं। अब देखो अगर तुम जोर से चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। हमारे कितने खिले खिले से हैं ये। देखो तेज पत्ते को अब हम निकाल देंगे, इनका फ्लेवर अब इसमें आ चुका है, तो इन्हें निकाल के फेंक देंगे। और थोड़ी सी आधी कटोरी मैंने चीनी ली है, इसे अब डाल देंगे इसमें। चीनी आप कम भी डाल सकती हैं, ज़्यादा भी डाल सकती हैं, मीठा खाती हैं वैसे ही बना लें। जो हमने केसर के दाने लिए थे वो अच्छी तरह से घुल गए हैं, तो इसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हल्के हाथ से इन्हें भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने चीनी डाली है, वो पानी छोड़ेगी, उसी से अच्छी तरह से हो जाएंगे। देखो हमारी चीनी पानी छोड़ रही है, तो इसे हम 80% हमने पहले पकाया था, 20% अब हम इसे पकाएंगे। अब इन्हें कवर करके 15 मिनट के लिए अब इसे पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं।
गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और 15 मिनट के बाद ही इन्हें चेक करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखो कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले।